शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो तुम्हारी बहन को समझाना मतलब अपने सर को दीवार पे मारने के बराबर है। कोई नहीं समझा सकता उसे। चलो अंदर चलते। पंडित जी, वाजी, पंडित जी यहाँ पर क्यों आए? भाभी, पंडित जी, अरे हमने ही बुलाया है। पंडित जी अभय और रोशनी की शादी की तारीख पक्की करने आए हैं। हाँ, इन दोनों की कुंडली देखने के बाद आज से एक महीने के बाद की तारीख बहुत ही शुभ है विवाह के लिए। अरे वाह पंडित जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलिए फिर हमें आज्ञा दीजिए, हमें पूजा कराने जाना है। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो तुम दोनों, तुम भी। समय इतना कम है और बहुत सारा काम है, हम अभी आते हैं। हाँ भाभी, यहाँ कीर्ति की नौकरी दांव पर लगी है, वो आपके बेटे की बैंड बजवाने पे तुली है और आप है कि उसी बेटे के नाम की शहनाइयां बजवाने की तैयारी कर रही है। अरे ऋतु, आप क्या कह रही है? हमारे बेटे ने क्या किया है तो बताओ। मतलब रात गई तो आप बात भी बोल गई। कीर्ति अभय को किसी भी कीमत पर जेल पहुंचाने पे तुली है। ऋतु, हमारे बेटे ने जब कुछ किया ही नहीं है तो वो डरे काहे? और वैसे भी इन चक्रों में ना हमारे लिए सिर्फ एक बात मायने रखती है, हमारे बेटे की खुशी। भाभी हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि घर का माहौल थोड़ा ठंडा होने देते, उसके बाद हम इस पे बातचीत करेंगे ना। बातचीत करने को रह क्या गया ऋतु? अभय रोशनी से प्यार करता है, वो उसके साथ खुश है। वैसे भी कीर्ति को कोई सबूत नहीं मिला है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। अब हम क्या करेंगे? 40 घंटे पूरे होने वाले हैं। कीर्ति तुम शांत हो जाओ, इसे घबरा के तुम्हें सबूत तो नहीं मिल जाएंगे। उस दिन आपने तहश में आके बोल तो दिया कि अगर चोर नहीं मिला तो आप नौकरी छोड़ देंगी, लेकिन ऐसे कोई नौकरी छोड़ता थोड़ी है, आप चिंता मत कीजिए। कीर्ति, आप क्या हमें इस्तीफा देते हुए देखना चाहती हैं? इसीलिए आई है ना यहाँ? कैसी बातें कर रही है तू कीर्ति? बहन है तू मेरी, जब तू यूपीएससी का एग्जाम पास करके आई थी ना, सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई थी। मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा अगर तू अपनी नौकरी छोड़ दे। मगर कीर्ति अभय गुनहगार नहीं है, मैं तेरे सामने असली गुनहगार का चेहरा भी लेकर आई थी, लेकिन तू उससे पूछताछ तक नहीं करना चाहती। मैं कह रही हूँ तुझे, कुणाल ही असली गुनहगार है, वो सजा के लायक है। 48 घंटे पूरे होने में अभी भी 10 मिनट बाकी है, सोच समझ के फैसला ले। एएसपी कीर्ति त्रिपाठी, बताइए एएसपी कीर्ति त्रिपाठी, 48 घंटे पूरे होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, कहाँ है आपका चोर? चोर नहीं तो कम से कम अपना इस्तीफा ही दिखा दो। मैम, कीर्ति त्रिपाठी जैसी होनहार अफसर जो पूरे शहर की सुरक्षा के लिए, आप सबकी सुरक्षा के लिए दिन रात लगी रहती है, यहाँ तक कि अपनी जान तक को दांव पर लगाने के लिए तैयार रहती है, उसे आप इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रही हैं। और आप सब ये जानते हैं कि एएसपी कीर्ति त्रिपाठी पर एक जानलेवा हमला हुआ है,
आपको हमारी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है श्रद्धा त्रिपाठी, हमने फैसला कर लिया है। तो क्या फैसला ले लिया आपने ऑफिसर कीर्ति त्रिपाठी? जैसा कि हमने वादा किया था कि पिछले 48 घंटे में अगर हम चोर को नहीं पकड़ पाए तो हम अपना काम छोड़ देंगे, इसीलिए हम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। हमें एक जिम्मेदारी दी गई थी जिसे हम पूरा नहीं कर पाए। हमने वादा किया था कि वफर शेर गैंग को हम पकड़ लेंगे। हम नाकाम है अब रहे, हम कानपुर वासी के गुनहगार हैं और इसीलिए आज इसी वक्त हम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। अब कानपुर की और कानपुर वासियों की सुरक्षा हमारे हाथ में नहीं है। उम्मीद है कि मैम आपको खुशी मिली होगी। आप सब अब जा सकते हैं। नमस्कार। ये थी मैडम चौकस के नाम से प्रसिद्ध एएसपी कृति त्रिपाठी। जब इनके 48 घंटों में बब्बर शेफ गैंग को पकड़ पाने के दावों की हवा निकल गई तो आज इन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उस गैंग का क्या, क्या उसका आतंक कानपुर पर जारी रहेगा? और कीर्ति त्रिपाठी की नाकामयाबी का क्या? पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। नाकामयाब वो होते हैं जो अपने काम को बीच में छोड़ देते हैं, और एएसपी कीर्ति त्रिपाठी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हालात हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस ने, कीर्ति त्रिपाठी ने अपने इस काम को पूरा करने में अपनी जान की बाजी नहीं लगाई। आप सबको अपना जवाब मिल गया, प्लीज आप जा सकते हैं। कीर्ति तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। तेरी इस मेहनत को, तेरे काम के प्रति लगन को मैं कभी बर्बाद जाने नहीं दूंगी। अरे भगवान के लिए बस करिए, बस करिए अपनी इस महानता का नाटक। दीदू हर चीज में ना, हम कर लेंगे, हम देख लेंगे, हम संभाल देंगे, नहीं होता। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो आप नहीं कर सकती, तो हमें ना हमारा देखने दीजिए प्लीज। कीर्ति मैं जानती हूँ तो इस वक्त बहुत परेशान है, लेकिन क्या तू तू अपने दीदू पर भरोसा भी नहीं रखेगी? तू देखना कीर्ति, असली गुनहगार बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, बस हमें एक सबूत चाहिए। हमें? आपको सबूत क्यों चाहिए? आप पुलिस में भर्ती हो रही हैं? नहीं ना, अगर नहीं हो रही है तो फिर हमारा काम खराब क्यों किया? हमें पता है गुनहगार कौन है, पर आपको वो पसंद नहीं आया इसीलिए आपने उसे बचा लिया। दीदू गुनहगार ना अभय है। एक मिनट, एक तो खुद की ड्यूटी तुम ठीक से कर नहीं पा रही हो, उसके ऊपर से हमारे बेटे पे दनादन तुम इल्जाम लगाए जा रही हो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है सर? अनुजा जी, ये बात एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं है। हाँ पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस एक बार हमें सबूत मिल जाए ना फिर तो देखें। अभी तो हमें आपकी शक्ल देखकर गुस्सा आ रहा है, सिर्फ ये याद आएगा कि कैसे आपने हमारा बना बनाया पूरा केस बर्बाद कर दिया। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।